Hi guys, I'm Swapninja Sharma and welcome back to my channel. तो आज जो मेरी तीन positions थी DLF, Lupin और Mindtricking, वो तीनों मैंने close कर दी है और एक नई position open करी आज SCL Tech की। अभी सबको पता ही होगा, मैंने Twitter पे update कर ही दिया था कि Lupin में मैंने loss book कर दिया है। So let's see कि बाकी दो positions का क्या हुआ और SCL Tech का मेरा reason क्या है उसको long करने का और क्या है targets। और उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स रिव्यू करेंगे। सो गाइस लेट्स डाइव इन। सो गाइस ये है लुपिन का चार्ट और ये मेरा एक सेलिंग जोन बना हुआ था लुपिन में और ये जो कैंडल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल विथ ऑल द RSI सपोर्ट एंड ऑल और इसके हाई पे मैंने लुपिन को एग्जिट कर दिया। ओके अब जो एक्सपेक्टेड मूव है मुझे यहाँ से वो फिर से यहाँ से ऊपर जाने के पूरे चांसेस है लुपिन के। सो आज मैंने लुपिन में एग्जिट कर दिया है और तकरीबन मैंने उसके फ्यूचर में -50,000 का लॉस बुक कर दिया है और जो मैंने उसके अगेंस्ट कॉल लिया था उसमें मैंने 27,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। सो मोटा मोटा 22-23,000 का मैंने लुपिन में लॉस बुक कर लिया है। नेक्स्ट था मेरा DLF। लेट्स सी DLF में क्या हुआ है। तो गाइस DLF में मैंने जैसे बोला था मेरे टारगेट अराउंड 161-162 के करीब थे तो उस हिसाब से मुझे बहुत एक्सपेक्टेड मूव मिली DLF में। तो आज DLF मेरे टारगेट पे गया एंड यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया DLF में। तो जो मेरी DLF की पोजीशन थी ये है DLF की पोजीशन, तो उसके फ्यूचर में मैंने तकरीबन 17,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था और उसके अगेंस्ट जो मैंने पुट लिया था उसमें मैंने 6,000 का लॉस बुक किया है। तो मोटा मोटा उसमें मैंने 10-11,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है DLF के पोजीशन में। और नेक्स्ट जो मेरा लास्ट ट्रेड था Mindtree, ये मेरे Mindtree के टारगेट्स थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे और एक प्रेशर जोन बन भी रहा था Mindtree में यहाँ पे। तो जैसे ही Mindtree इस वाले जोन में आ गया था मैंने Mindtree में भी प्रॉफिट बुक कर लिया था मेरे, क्योंकि टारगेट्स अचीव हो गए थे और उसके बाद वो ज़रूर नीचे आया और वो आना ही था क्योंकि ये एक अच्छा खासा प्रेशर जोन है Mindtree में। और कल मैंने इस प्रेशर जोन के बारे में जो मेरे लेटेस्ट वेबिनार के पार्टिसिपेंट है, जो ऑप्शन राइटिंग के वेबिनार पार्टिसिपेंट है, उनसे मैंने बात करी थी कि यहाँ तक जाएगा और भले ही यहाँ से फिर से नीचे आए क्योंकि एक प्रेशर जोन है। सो इसलिए जैसे ही इस जोन में गया मैंने Mindtree को बुक कर लिया था। और अगर Mindtree की आप पोजीशन देखें तो Mindtree के जो फ्यूचर था उसमें मैंने 22,760 का प्रॉफिट बुक कर लिया और मोटा मोटा 8,000 का लॉस उसका अगेंस्ट जो मैंने कॉल शॉर्ट किया था उसमें बुक कर लिया है। तो इस पोजीशन में मैंने तकरीबन 15,001 रुपये बुक कर लिए है। तो ये सारी पोजीशन जो DLF, लुपिन और Mindtree की थी क्लोज हो चुकी है। ये कुछ मैंने इंट्राडे ट्रेड्स करे थे ऑप्शन के, बैंक निफ्टी के ऑप्शन के, और मेन मैंने HCL Tech का आज जाते जाते फिर से एक ट्रेड ओपन कर लिया है। अगेन HCL Tech के पीछे क्या लॉजिक है विल सी द चार्ट। HCL Tech ने आज गैप अप ओपनिंग दी थी और पूरा आज IT सेक्टर ही बहुत ज़्यादा मजबूत था, रादर इन्फी ज़्यादा मजबूत था। बट जैसे ही गैप अप ओपनिंग दी यहाँ पे उसने एक ये जोन बनाया, प्रेशर जोन बनाया है। लेट मी मार्क दिस, ये जो है एक HCL Tech का प्रेशर जोन है। पर जब मैं HCL Tech के चार्ट रिव्यू कर रही थी तो यहाँ पे मुझे एक सेटअप मिल गया था HCL Tech का, ये वाला सेटअप, 2 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स एंड RSI अबाउ 80। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि HCL Tech एक बारी 834 फिर से टच करेगा और फिर यहाँ से प्रेशर लेके नीचे आ सकता है बिल्कुल। पर एक ऐसा चांसेस है HCL Tech के कि यहाँ पे एक बार जाए, ये वाला जो हाई बनाया है इसके आसपास एक बार HCL Tech आएगा। तो इस हिसाब से मैंने इसमें पोजीशन बनाई है। जहाँ तक इसकी एग्जिट की बात है तो कहीं ना कहीं ये एक बेस फॉर्म हो रहा है HCL Tech में। तो ये जो नीचे आ रहा है तो शायद इससे फिर से एक बार बाउंस होके फिर यहाँ तक चला जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने इसलिए HCL Tech का फ्यूचर एक लॉट ले लिया है 829 का
और उसके अगेंस्ट मैंने 840 का कॉल शॉट किया है, 33 रुपीज का कॉल शॉट किया है। तो अगर सपोज कल एच सी एल टेक प्रेशर लेके ये जोन ब्रेक करता है तो मैं एच सी एल टेक के फ्यूचर में जितना भी लॉस है बुक कर दूंगी, और वो जो कॉल मैंने शॉर्ट किया है उसके अगेंस्ट शायद मैं वो एक दो दिन रखूँ। सो दीज आर माई टूडेज पोजिशन। नाउ लेट्स सी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आज क्या किया उन्होंने। सो गाइज, ये निफ्टी के सारे लेवल्स आपको पता ही थे, मैंने दो तीन दिन पहले पोस्ट किए थे, क्योंकि नई लेवल कोई नहीं थी इसलिए मैंने फिर से ट्विटर पे वगैरह पोस्ट नहीं किया था ये। बट ये लेवल थे हमारे पास सारे, और थोड़ा बहुत इन्हीं लेवल के आसपास ही काम हुआ है। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग थी निफ्टी बैंक निफ्टी में। जब मैंने लास्ट वीडियो ये शूट किया था तब जैसे मैंने बोला था उसमें कि एचजीएक्स निफ्टी डाउन चल रहा है और यूएस मार्केट्स नीचे थे, तो बहुत चांसेस थे कि वो गैप डाउन आज ओपनिंग हो। पर उसी दिन यूएस मार्केट ने पूरी रिकवरी कर ली थी और इसके लिए एचजीएक्स निफ्टी भी रिकवर कर गया था, तो इसलिए आज बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग मिली है मार्केट में। बस यहाँ से इस लेवल पे ओपन हुआ, जो ये हमारे एक रेजिस्टेंस हमने पहले ही मार्क करके चले थे विच इज़ 11567। यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस लिया और मार्केट यहाँ से नीचे आया। यहाँ के आसपास ही उसने 11446 के आसपास एक फिर से बाउंस लिया, ऑल दो टच नहीं हुआ है, थोड़ा सा पहले ही बाउंस लिया है और फिर से ऊपर गया है। तो फिलहाल 11508 के लेवल पे आसपास आज कहीं ना कहीं बंद हुआ है मार्केट। एक लोअर हाई एक फॉर्मेशन हुआ है इसमें, तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन, शायद इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे निफ्टी ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैं ड्रॉ करके रख रही हूँ, कल ही पता पड़ेगा कि कैसे उस पर काम होता है इस ट्रेंड लाइन पे। बट एक लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है और लोअर लो फॉर्मेशन हुआ है, तो एक चांस है कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन पे अगर निफ्टी जाएगा तो फिर से एक बार ये भी लो ब्रेक हो सकता है और शायद ये पूरी गैप फिल अप हो जाए। पर जो भी हो, अगेन कोई न्यू लेवल नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रेंड लाइन फॉर्म करी है जो ये डिनोट करती है कि लोअर हाई और लोअर लो फॉर्म हुए हैं। जहाँ तक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें, सो लेट्स सी, 11800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है विच इज़ अराउंड 31,60,000 कॉन्ट्रैक्ट है अप्रोक्सीमेटली, और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो है वो 11,000 पे है, 22,83,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन है। बट अगर आज सबसे ज़्यादा काम कौन सी स्ट्राइक पे हुआ ये देखें, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो आज 11,800 पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, और 11,600 और 11,500 पे बिल्कुल ही बहुत बराबर की ही कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है। और मैक्स पेन भी देखो तो 11,500 पे ही है, तो यहीं पे फाइट चल रही है 11,500 और 600 के बीच। और इसी लेवल से अगर निफ्टी को मैच करो हम, ऐसा लग रहा है कि इसी लेवल पे फाइट चल रही है। ओके, तो ऑल्दो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है तो प्रेशर है मार्केट पे, और ये वाली अगर ट्रेंड लाइन फॉलो होती है कल तो उसके हिसाब से फिर ये लेवल्स फिर से टच हो सकते हैं 11,400 के। सो अगेन नो न्यू लेवल्स, लेट्स सी बैंक निफ्टी नाउ। सो गाइस, दिस इज चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, अगेन अ गैप अप ओपनिंग। ये जो लेवल एक मार्क थी 22,702 की, यहाँ पे टच हुआ है और यहाँ से ही इसी लेवल से प्रेशर लेके बैंक निफ्टी नीचे आया है। अगेन ये लेवल ऑलरेडी मार्क थी 22,299 की, यहीं पे आके पॉज लिया है, फिर 22,485 का ये लेवल यहाँ पे गया और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे। अगेन जो भी गैप ऑफ ओपनिंग थी वो बिल्कुल सस्टेन नहीं हो पाई है, मतलब मार्केट पे अब फिर से थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप है। एज सच नो न्यू लेवल्स। ओके, एक यहाँ पे जोन बन रहा है, सेलिंग जोन बन रहा है, कलर बदल दो, बाकी कोई लेवल तो है नहीं, जो है इसी के बीच में, लेवल्स के बीच में ही बैंक निफ्टी कल भी रहेगा। और तो गाइस, जहाँ तक बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 23,000 को है और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 22,000 को है, तो एक 1,000 पॉइंट का गैप है। और 22,400 के यहाँ पे
मैक्स पेन है, तो यहीं पे फाइट चल रही है. आज का जहाँ पे काम हुआ है, लेट्स सी दैट आज सबसे ज़्यादा कौन से स्ट्राइक पे काम हुआ है. अगेन कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, पुट राइटिंग से कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है. तो यही प्रेशर दिख भी रहा है मार्केट में, लेवल्स के ऊपर भी दिख रहा है. सो थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है बैंक निफ्टी में भी. बाकी अगर ये लेवल ब्रीच होता है विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन द नेक्स्ट स्टेशन इज दिस. यू नो द ड्रिल कि किस तरह से लेवल टू लेवल प्ले आउट होता है, और प्ले आउट हमें करना चाहिए. सो यू गाइज हैव लेवल्स. आई विल अगेन पोस्ट दीज लेवल्स एंड चार्ट टू ऑल माई सोशल अकाउंट एंड टेलीग्राम अकाउंट. सो गाइज दिस इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर यू. अगर आपको ये लेवल्स और एनालिसिस पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना. सो बाय एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन.